नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित डोलस फिर एक बार आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आपको पता है, दोस्तों मैं आजकल तभी वीडियो बनाता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अभी बज रहे हैं रात के 2, आपको टाइम दिख रहा होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश एवरी वन अ मेरी क्रिसमस, जो कि अभी खत्म हो चुकी है। बट एनी वेज मैं खुद बिजी था सैटरडे संडे, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन। मे बी न्यू ईयर के वक्त मेरा वीडियो आए नहीं आए, आई डो नॉट नो। अगर ज़रूरी होगा तो ज़रूर वीडियो आएगा, मतलब अपडेट होगा तो, अदरवाइज नहीं आएगा। सो कुछ पुराने अपडेट्स जस्ट देख लेते हैं मेरे। ओके, इज द रिसेशन कमिंग, फिर मेक और ब्रेक, राइट, बी अलर्ट। ये सारे वीडियोज़ में मैंने एक्चुअली एक ही बात बताया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, राइट। मेक और ब्रेक में मैंने लेवल बताया था, रिसेशन आ रहा है क्या, मुझे नहीं लगता आ रहा है। मार्केट ऊपर ही जाएगा और मार्केट ऊपर ही गया, मार्केट ने अपना हाई भी काटा। पूरी दुनिया तभी बेरिश थी, तभी मैं वहाँ पर बता रहा था कि नहीं, मुझे तो लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। बट राइट नाउ फ्रेंड्स, आई वोंट से इट्स अ बैड न्यूज़, बट इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न आई विल से टू रेज एन आईब्रो कि भाई अभी ट्रेंड चेंज हो गया है। सो ट्रेंड इज़ चेंजिंग और इट हैज़ चेंज्ड ऑलरेडी इन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेंड हैज़ नॉट चेंज्ड। आपको मैं अभी वीडियो के इसमें पूरा बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस करके। सो लेट स्टार्ट द टेक्निकल एनालिसिस विदाउट वेस्टिंग द टाइम। वैसे ही 2 बज रहे रात के और आपको बताऊंगा कि क्या गड़बड़ मुझे लग रही है। ओके, कुछ तो गड़बड़ है दया। सो यस, सो दिस इज़ द चार्ट। ओके, मेरे पुराने वीडियो में इज़ द रिसेशन कमिंग मैंने ये ट्रेंड लाइन डाल के रखी थी वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। और मैंने उसमें यह भी बताया था कि ये ट्रेंड लाइन जैसी ऊपर कटेगी तो ये हाई कट जाएगा, और ये हाई कट गया है। सो देखो, जब हाई कट जाता है ना, मतलब मार्केट को जहाँ पहुँचना था मार्केट वहाँ पहुँच गया, रैली खत्म हो चुकी है। ओके, शॉर्ट टर्म रैली, आई विल नॉट से लॉन्ग टर्म रैली, शॉर्ट टर्म रैली, बिकॉज हाई कट दिया ना। एक बार हाई कट, मार्केट को पहुँचना क्या होता है, प्राइस को। देखो प्राइस जब नीचे आती है ना तो प्राइस को पहुँचना होता है यहाँ पे टॉप पे, तो टॉप कट गया मतलब ये नया टॉप बन गया। नया टॉप बना है 18,000, यू नो 18,887 का। उसके पहले का जो टॉप था, हम लोग डेली चार्ट देख रहे हैं, वो था 18,600 का। मैंने मेरे सारे वीडियोस में बताया था कि मार्केट नीचे नहीं ऊपर ही जाएगा, और ऊपर ही गया और मार्केट ने नया हाई बनाया, ये भी मैंने बोला था और मार्केट ने बना के दिखाया। अब मार्केट ने क्या किया, देखो डेली चार्ट में यहाँ से अभी थोड़ा इसको आगे करता हूँ, ये नीचे आया, प्राइस नीचे आई, नीचे आई ठीक है, नो प्रॉब्लम, प्राइस नीचे आ सकता है, नॉर्मल करेक्शन। बट नॉर्मल करेक्शन तब तक था जब तक ये नीचे की जो ट्रेंड लाइन थी, देखो ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है, ओके, उसको इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, विच वॉज ऑल्सो ओके। बट सेकेंड उसने फॉलो थ्रू कैंडल दे दी एक, विच इज़ ब्रेकिंग दिस ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन है, इसको भी काटा हुआ है अभी, और राइट नाउ मार्केट इज अगेन ऑन द सपोर्ट। ओके, यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है शायद 100 डेज का, तो मार्केट यहाँ से भी घूमने के लिए घूम सकता है, बट मुश्किल लग रहा है बिकॉज ट्रेंड बेंड हो गया। ऐसे कहते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड एंड अनटिल इट बेंड्स, सो नाउ ट्रेंड इज नॉट अवर फ्रेंड राइट नाउ बिकॉज इट हैज़ बेंड, नीचे आ चुका है ट्रेंड, राइट। तो अभी ये यहाँ पे जो है, यहाँ से घूमने का चांस कितना परसेंट है, 10-20% हो सकता है, बिकॉज वी आर स्टिल इन द बुलिश मार्केट। मार्केट बेरिश जरूर हुआ है बट शॉर्ट टर्म के लिए, बड़े बड़े बेरिश लेवल, क्रैश, रिसेशन, 2 साल के लिए मार्केट नीचे जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। सो बट मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपको इसमें अभी क्या करना है, कुछ दिनों के बाद क्या करना है, इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स में क्या करना है, ट्रेडिंग में क्या करना है। ओके, वीडियो लास्ट तक देखो, अभी तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ इफ यू सी दिस प्राइस हैज़ फॉलन एंड ब्रोकन ऑल 2 ट्रेंड लाइन्स, जो ऊपर से नीचे आ रही थी वो, और जो नीचे से ऊपर जा रही थी वो भी ब्रेक कर दिया है, और नीचे का क्लोजिंग भी मिला है डेली चार्ट पे। बट ये एक दिन का क्लोजिंग है, ये वाला एक्चुअली नीचे गया था बट वो क्लोज नहीं हुआ है। देखो आप, ये ट्रेंड लाइन को मतलब नीचे क्लोज नहीं दिया, ऑलमोस्ट कट टू कट है, तो इसको बेनिफिट ऑफ डाउट, जैसे क्रिकेट में लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर, वैसे बेनिफिट ऑफ डाउट देकर इसको छोड़ सकते हैं। बट ये इसने क्लियर कट ब्रेकडाउन दिया है, बट इट इज जस्ट वन डे माई डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे अलर्ट होना होता है। ओके, सो अलर्टनेस यहाँ पे अभी जरूर है, मतलब कुछ तो अभी गड़बड़ हो सकती है या चालू हो चुकी है जो आगे हमें और बढ़ती हुई दिख सकती है। सो नाउ वी हैव टू डू समथिंग। इतने दिन से मैं आपको बोल रहा था क्या कुछ करो, मतलब मैं वीडियो भी नहीं डाल रहा था। क्यों नहीं डाल रहा था मैं वीडियो, बिकॉज मुझे जरूरत नहीं लग रही थी कि मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है, राइट। बिकॉज अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट अ यूट्यूबर। जिस दिन मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा आपको ऐसे ही समझ में आएगा, बिकॉज मेरे वीडियोज रोज आएंगे, राइट। सो अभी मैं एक्चुअल एनालिसिस और एक्चुअल ज्ञान आपको बता रहा हूँ, और तभी ही वीडियो बनाता हूँ, फिर 2 बजे 3 बजे बहुत थका हुआ हो, बट मुझे लगा कि आज ये वीडियो जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज नाउ इज द टाइम टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड। पिछले वीडियो से अभी नया वीडियो में थिंग्स चेंज हो चुकी है। तो अभी नीचे मार्केट कहाँ तक आ सकता है, देखो यहाँ तक उसका पहला सपोर्ट है, पहला सपोर्ट मुझे दिख रहा है सीधा 17,500-17,400। ओके, पकड़ सकते हो आप, क्यों दोस्तों, बिकॉज ये अगेन साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, राइट। एंड उसके बाद का ये वाला जो सपोर्ट है, यहाँ पे एक गैप है, देखो ये बॉक्स डाला है ना नीला, ये गैप है जो पेंडिंग है, तो ये गैप भरने आ सकता है। तो 17,300 लाइन थोड़ा ऊपर लेता हूँ, 17,300 के आसपास सेकेंड सपोर्ट मार्केट को है, यहाँ तक भी मार्केट इजीली आ सकता है। कल मतलब ये आगे वाला हफ्ता जो है ना बहुत क्रूशियल है, इट्स ईयर एंड, और मार्केट देखो ऐसे टाइम पे ही लोगों को पकड़ता है। मार्केट देखो कितना स्मार्ट एनिमल है, अभी देखो मार्केट को पता है न्यू ईयर है, कोई मार्केट नहीं देख रहा है, सब लोग घूमने गए, कोई गोवा गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया, राइट। यही टाइम पर मार्केट चांस मारता है और नीचे जाता है या तो फिर तेज़ी से ऊपर चला जाता है, दोनों बाजू। मतलब मार्केट नोज यू नो व्हाट वी गाइज आर डूइंग इन आवर पर्सनल लाइफ, सोचो मार्केट को सब पता होता है। तो ये टाइम पर मार्केट
फायदा उठा के ऐसे कुछ चीजें कर देता है कि हमको चांस नहीं मिलता। हम बोलेंगे यार मैं तो बिजी था, पार्टी कर रहा था, देखा तो साला सब रेड में चला गया पूरा, अभी तो निकल भी नहीं सकते, राइट। सो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी भी न्यू ईयर पार्टी को टाइम है 31st के पहले, और 31st को अभी 4-5 दिन बाकी है, 4-5 दिन में गिरावट बढ़ सकती है। ओके, सो फर्स्ट लेवल ये है, सेकंड लेवल इज 17,300-200। ओके, 17,000 इज अगेन अ सपोर्ट, बट मैंने जानबूझ के नहीं डाला है। फिर उसके बाद बिकॉज ये टूटता है तो मुझे नहीं लगता 17,000 होल्ड करेगा, फिर सीधा 16,900 का सपोर्ट बहुत अच्छा है, वेरी गुड सपोर्ट। द फाइनल सपोर्ट इज 16,700 या 800, वॉट एवर। तो ये सपोर्ट्स हैं, ये सपोर्ट्स आपको याद रखने हैं। हर एक सपोर्ट पे आपको थोड़ा थोड़ा बाइंग आप कर सकते हो स्टैगर्ड मैनर में। जिसको 10 लाख लगाने हैं, यहाँ पे 2 लाख लगाए, यहाँ पे 2 लाख लगाए, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख, और भी 2 लाख बचा के रखो, राइट। अभी अगर ये डाउनफॉल नहीं हुआ, मार्केट फंसाने का काम करता है, मार्केट ने अगर ये फंसाने का मूव दिया, अभी मार्केट ने बहुत बार लोगों को फंसाया है, मार्केट का काम होता है फंसा के आगे बढ़ जाना, लोगों को जो मतलब दिखाना है करना अलग। जैसे यहाँ पे भी मार्केट ने सेम, देखो ये जैसे नीचे आया है पूरा, अगर इसको मैं ढक दूँ तो ये क्या है, वही तो है पूरा, देखो हाई काटा इधर आया पूरा नीचे आया, ये कैंडल इतनी बड़ी रेड कैंडल, फिर फॉलो थ्रू भी दिया, बट क्या हुआ देखो पूरा ऊपर लेके गया, राइट। बट इस बार मैं थोड़ा सा बेरिश क्यों हूँ, बिकॉज मार्केट को जो अटेन करना था, जो अचीव करना था, जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। मार्केट का बेसिकली ये टारगेट था हाई 18,600 को काटना, तो रेस जीत गया मार्केट, राइट। सब बियर्स को बुल्स ने धो डाला, और अभी मार्केट बोला ठीक है भाई अभी मैं थक चुका हूँ, मैं यहाँ से चलते 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 सब बियर्स को काटते, देखो ना कितना बड़ा कंसोलिडेशन है, इसको काटने में मार्केट की जान निकल गई एक्चुअली। तो यहाँ पे जाके मार्केट हो गया एग्जॉस्ट, राइट, एग्जॉस्ट हो गया, थक गया, अभी बोला बस थोड़ा आराम करना है, मैं नीचे जाता हूँ आराम करके आता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हर टाइम मार्केट बुलिश नहीं हो सकता, और जो भी बेरिशनेस है वो शॉर्ट टर्म के लिए आया है ऐसा मुझे लग रहा है, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी चीज़ पर्दे के पीछे है जो हमें नहीं पता। एंड प्लीज माई फ्रेंड्स, वो चीज़ अगर आप सोच रहे हो कि कोरोना है तो वो नहीं है, कोरोना कोविड के वजह से मार्केट अभी नहीं गिरने वाला, चाहे कितना भी बड़ा कोरोना आ जाए, अभी कोरोना कोविड ये वर्ड से मार्केट नहीं डरता, हम ही नहीं डरते तो मार्केट क्या डरेगा, राइट। सो देर हैज टू बी समथिंग एल्स विच वी डू नॉट नो राइट नाउ, जो मार्केट को पता है, शायद इसीलिए मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, या तो ये नॉर्मल करेक्शन होगा। देखो दोस्तों, वी द टेक्निकल एनालिस्ट या जिसको भी मार्केट की समझ है, इस मार्केट में कोई भी गलत हो सकता है, बिकॉज मार्केट का काम है 90% लोगों को गलत साबित करना और 10% लोगों को सही साबित करना। सो हमें वी हैव टू लिव बाय द डे, लिव बाय द वीक। अभी मैं बोल रहा हूँ वो अभी के लिए है, अगले वीक में बदल जाऊंगा, बिकॉज प्राइस बदल गई है तो मुझे बदलना ही पड़ेगा। इतने दिन से मैं आपको छाती ठोक के क्या बोल रहा था, मेरे कोई भी वीडियोज आप जाके देखो, छाती ठोक के बोला था इधर भी रिसेशन नहीं आ रहा है, मार्केट नया हाई बनाएगा, पुराने वीडियोज मतलब मैं कंटिन्यू बुलिश ही था, बिकॉज प्राइस बुलिश थी, प्राइस ने एक भी बार मुझे बेरिश और दिखाया नहीं था कि भाई आई एम बेरिश, बट आज दिखाया है प्राइस ने, तो आई हैव टू से दैट राइट नाउ आई एम लिटिल बेरिश। सो खतरे की घंटी है, एंड आपको अभी बुलिश कब बनना है, सबसे पहले संकेत तो आपको जब ये अगर प्राइस घूम के ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, राइट, ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है ये ग्रीन वाली, इसको ऊपर अगर नीचे घूम के ऐसे प्राइस ऊपर आए तो ये पहला हर्डल पार किया, यहाँ पे बुलिश मत बन जाना। फिलहाल सेल ऑन राइज मार्केट हो सकता है आगे जाके, तो यहाँ पे मार्केट आएगा तो वापस यहाँ पे इसको पिटाई होगी, वापस नीचे जा सकता है। अगर ये ऊपर की ब्लू लाइन क्रॉस करती है तो आई गेट लिटिल होप्स। ये ग्रीन लाइन अभी इतनी मतलब इंपॉर्टेंस नहीं लग रही मेरे को, दिस ब्लू लाइन, दैट्स वाई इसको ब्लू लाइन अलग कलर दिया मैंने। ये ब्लू लाइन जब कटेगी, मतलब ये जो कैंडल का हाई क्या था 18,050 के ऊपर मार्केट 2 दिन या 3 दिन क्लोज दे डेली चार्ट पे, तो हम लोग थोड़े से बुलिश हो सकते हैं। और अगर ये ऊपर की ट्रेंड लाइन, सॉरी ऊपर की, हाँ ये ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन अगर काट दी उसने, जो कि है 18,473 हिंदी में क्या होता है 18,473 के ऊपर, अगर मार्केट वापस 2-3 दिन क्लोज देता है फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, 20,000 आराम से आ सकता है फिर आने वाले 1-2 महीने में। प्लस हमारा बजट भी है 1 फरवरी को, निर्मला मैडम ये बार बहुत अच्छा बजट लेके आने वाली है ऐसा सुनने में आया है, शी इज़ प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, सो यू कैन इमेजिन। एनीवेज उसको अभी टाइम है, अभी बात करके मतलब नहीं। सो आपको याद रखना है लेवल्स और डरना घबराना नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपको इमीडिएटली करना क्या है। आप लोगों ने पैसे लगाए मार्केट में, अरे ये क्या आ गया, यस, आप लोगों ने पैसे लगाया हुआ है मार्केट में, लोगों को डर रहता है, सो व्हाट टू डू इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सो देखो, जो लोग एफएनओ वगैरह कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म पोजीशन है और हैवी पोजीशन है तो बिल्कुल निकल जाओ, बिकॉज मार्केट अभी कुछ भी कर सकता है, ऐसे सिचुएशन में है मार्केट। सो इट्स बेटर टू कट ऑफ ऑल योर शॉर्ट टर्म पोजीशंस। वी आई एम नॉट टेलिंग दिस टू पीपल हु हैव जॉइंड विद मी, मेरे साथ जो ज्वाइन है उनके लिए नहीं है, ये जेनरिक बता रहा हूँ मैं, उनके लिए मैं उनको देते रहता हूँ अपडेट, दे कैन आस्क मी उन्हें क्या करना है। सेकेंड, लॉन्ग टर्म पोजीशंस जिनकी है, व्हेन आई से लॉन्ग टर्म, इट इज़ अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आप एक काम जरूर करो, बिकॉज मैं अभी मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं खुद भी कर रहा हूँ, जो स्टॉक्स आपके बहुत अच्छे प्रॉफिट में है उसमें से 50% एग्जिट आपको करना ही करना है, बिकॉज वो टाइम अभी आ गया है, राइट। 100 रुपये का शेयर था, 200 हो गया है, तो वो वापस 150 हो सकता है इजीली ये फॉल में, या तो 125 भी हो सकता है, तो बेटर है अभी 200 का 180 हुआ है, आप उसमें से निकल जाओ। कंप्लीट एग्जिट तो नहीं बोलूंगा, बट 50% एग्जिट आप कर सकते हो इन ऑल योर प्रॉफिट स्टॉक्स, यू नो, अच्छे प्रॉफिट वाले स्टॉक।
एंड आपको नई पोजीशन ऐड करने का मौका मिलेगा मार्केट अगर नीचे जाएगा तो। राइट नाउ डू नॉट ऐड बिग पोजीशंस नए में, मतलब आप पोर्टफोलियो किसी को अभी नया बनाना है तो मे बी उसके लिए अभी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनते हुए मुझे दिख रहा है। नीचे मार्केट अगर आता है जो तो मैंने बताया, किसी को 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है उसको दो दो लाख करके 4 या 5 बार में डालने हैं। राइट, सो लॉन्ग टर्म पोजीशंस जो आपने ली हुई है प्रॉफिट बुकिंग शुरू करो, और जो आपके लॉस में स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में उसमें कुछ मत करो, एवरेज मत करो, कुछ मत करो। एवरेज अगर करना है तो कभी करना, पता है हाँ, एक लास्ट लाइन मैंने बताना रह गया, विच इज दिस 15,000। ये वर्स्ट सिनारियो है, वर्स्ट सिनारियो। अगर ये 15,000 मार्केट आ रहा है तो जरूर उसके साथ ऐसी कोई खबर आएगी, जैसे लास्ट टाइम मार्केट 17,000 आया था, सॉरी 7,000 आया था, तो उसके साथ कौन सा खबर आया था, कोरोना। बट अभी कोरोना के वजह से नहीं मार्केट गिरेगा, समथिंग न्यू विल हैपन, आई डोंट नो व्हाट विल इट बी, क्या होगा, वॉर होगा या आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, तो वो होगा तो ही मार्केट इधर आएगा। सो आपको यहाँ पे 16,700-16,800 लेवल है विच शुड बी द फाइनल लेवल इन ऑल द यू नो मतलब नॉर्मल सिनारियोज। वह सिनारियो में मार्केट गया तो फिर 15,000 आने से कोई नहीं रोक सकता, बट अगेन वो एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसको नया पोर्टफोलियो शुरू करना है, बट अभी से ही आप चालू करो, इसके लिए रुको मत, बिकॉज बिगर पिक्चर आपको मैं दिखाता हूँ। देखो मंथली चार्ट, मंथली चार्ट में मार्केट क्या चल रहा है, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से 2003 से, फिर बाद में पूरा बहुत बड़ा बुल रन आया, फिर 2008 से मार्केट ऊपर ही जा रही है ना, नीचे जाते हुआ चार्ट दिख रहे हो, आपके ऊपर जाते हुआ चार्ट दिख रहे हो, वीकली चार्ट देखो, ये ऊपर जाते हुआ चार्ट है, ये थोड़ा सा आपको साइड में हुआ है, साइडवेज है, ये कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है, मार्केट इधर तक गया तो मार्केट थोड़ा सा टाइम करेक्शन तो करेगा ही, प्राइस बहुत ज़्यादा टूटा नहीं है, मतलब इधर से मार्केट यहाँ नीचे नहीं आया, मार्केट साइडवेज गया, हालांकि नीचे आया है बट इतना नहीं कि मतलब पूरा, देखो ना 18,000 से मार्केट सिर्फ 15,000 ही आया है, 18,000 से वापस मार्केट 10,000 आया है क्या, नहीं। सो बेसिकली बुल रन जो बड़ा बिग पिक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। बिग पिक्चर में प्रॉब्लम कब आएगी पता है, जब ये आपको सबसे पहला संकेत आपको मिलेगा, फर्स्ट जो मिलेगा संकेत वो ये 16,800 कटने के बाद ही आपको बिगर ट्रेंड में प्रॉब्लम थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा वो भी फाइनल प्रॉब्लम होगा जब इसके नीचे मार्केट जाएगा 15,100 के नीचे या 15,000 के नीचे, तो आपका बड़ा ट्रेंड बदल जाएगा, फिर वो बियरिश ट्रेंड में मार्केट चली जाएगी, फिर उसके नीचे 14,000-12,000 कुछ भी आ सकता है, सारे दरवाजे खुल जाएंगे फिर। अभी मैं आपको ये डेली चार्ट पे दोबारा जस्ट लेके आया हूँ, तो अभी मार्केट मुझे लगता है कि यहाँ तक आ सकती है, विच इज़ दिस 17,200। क्यों पता है, ये गैप है, देखो ये गैप जनरली मार्केट ऐसे गैप्स भरती है, अभी देखो यहाँ पे भी एक गैप था, ये मैंने मार्क नहीं किया बट यहाँ पे भर चुका है, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया। यहाँ पे डेली की 100 की मूविंग एवरेज आ रही है, यहाँ से भी घूमना है घूम सकती है, डेली के 200 से घूमना है घूम सकती है मार्केट, जो कि आई थिंक यहाँ पे कुछ आ रही है 17,300-400 के आसपास। वर्स्ट केस सिनेरियो अभी के लिए मतलब 16,900 ही मुझे लग रहा है, उसके नीचे मैं तो अभी नहीं देख सकता मार्केट को जाते हुए, बिकॉज उतना बड़ा कुछ मार्केट में न्यूज़ ही नहीं है कि मार्केट इतना नीचे क्यों जाएगा, और अगर जा रहा है ना तो न्यूज़ हमें जिस दिन पता चलेगी ना तो एक्चुअली उस दिन ये खत्म हो जाएगा, मार्केट का फॉल खत्म होगा, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि सेल ऑन न्यूज़, राइट, जैसे हमको न्यूज़ पता चल गई, सॉरी सेल ऑन न्यूज़ बोल रहा हूँ मैं, जैसे हमको कारण पता चल गया मार्केट नीचे क्यों आ रही है, तो अभी कारण तो पता चल गया, अभी उसकी वजह से वापस नीचे नहीं आएगी, बिकॉज वो कारण की वजह से नीचे आ चुकी है मार्केट, सो जस्ट लाइक दैट। तो अभी आपको एक और चीज़ मुझे जस्ट बतानी है कि किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मार्केट हमारे इंडियन मार्केट में आज भी, आपको भी बताता हूँ, सिर्फ 3-4% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 3-4% लोग, और ये डेटा NSDL के वेबसाइट, CDSL के वेबसाइट में भी आपको दिखेगा, सबको दिखता है वो। सो आपको वहाँ पे कितने डीमैट अकाउंट है NSDL पे एंड CDSL पे आपको समझते हैं, बेसिकली दे आर डिपॉजिटरीज, आपका जो भी ब्रोकर होता है वो NSDL या CDSL से लिंक होता है, तो आपको नंबर समझते हैं डीमैट अकाउंट कितने। सो 3-4% इंडिया की आबादी के हिसाब से इतने से ही लोग मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका तो बेसिक रीज़न तो ये है कि भाई लोगों को स्टॉक मार्केट आता नहीं है, बट उससे भी बड़ा रीज़न ये है कि स्टॉक मार्केट के पोटेंशियल को लोग जानते ही नहीं आज तक, बिकॉज जिस दिन आपको स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल पता चल जाए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप दूसरी कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट के अलावा, बिकॉज स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल इतना खतरनाक है, जिसको समझ में आ जाता है वो स्टॉक मार्केट को जिंदगी में नहीं छोड़ सकता, राइट, कभी नहीं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एंड ऑप्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्विंग ट्रेडिंग, राइट, इसमें इतना अच्छा पैसा बनता है, दो साल में लोगों के पैसे डबल हो जाते हैं और इतने इजीली होते हैं कि यू विल नॉट इवन बिलीव। स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज बीन अ एसेट क्लास जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देखता है और देता रहेगा, तो ये पोटेंशियल। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करने का जो कारण है ना, जो लोग स्टॉक मार्केट मतलब कारण जो लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट मुझे आता ही नहीं है यार, वो कारण नहीं है, उससे भी बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल ही नहीं पता, मतलब आपको भरोसा उस पर है नहीं, पता नहीं है किसी ने जानबूझ के फैलाया है कि स्टॉक मार्केट में लॉस ही होता है ताकि ज़्यादा लोग यहाँ नहीं आए, बिकॉज स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कम लोगों का पैसा ज़्यादा लोगों के पास जाना होता है, इसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं कि कम लोगों का पैसा ज़्यादा लोगों के पास कैसे जाए, इसलिए तो स्टॉक मार्केट में ओनली 5-10% पीपल ही पैसा कमाते हैं, तो वो चाहते हैं कि यही बात मार्केट में घूमती रहे कि स्टॉक मार्केट में आओ मत, यहाँ लॉस होता है, स्टॉक मार्केट से दूर रहो, राइट, बिकॉज स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल अगर लोग समझ गए तो बस उनका जो मनी है वो डिवाइड हो जाएगा, उनको जो आज प्रॉफिट मिल रहा है लोगों को
तो वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये जस्ट क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था 2 दिन पहले, तो मुझे लगा कि यही वीडियो में मैं आंसर करता हूँ। एक्चुअली इसके लिए मेरे को सेपरेट वीडियो बनाना था डिटेल में, बट अगेन आई डोंट गेट टाइम टू मेक दिस वीडियोज एंड एवरीथिंग। मैं सिर्फ तभी बताता हूँ जब मुझे लगता है कि यार अभी आपको बताना ज़रूरी है, बिकॉज आपको डिसीजन लेना है अभी कुछ। तो अभी आपको क्या डिसीजन लेना है शॉर्ट टर्म में, ज़्यादा कुछ मतलब करो मत, आई एम सो सॉरी, ज़्यादा कुछ करो मत। आप देखो मार्केट को, शॉर्ट टर्म पोजिशन में से निकल जाओ, लॉन्ग टर्म पोजिशन प्रॉफिट बुक कर लो, 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बिकॉज मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया है। यहाँ से दो चीज़ें होती है, देखो ऑल टाइम हाई से मार्केट करेक्शन करती है वो, उसका चांस ज़्यादा होता है रादर देन वहाँ से एक नया हाई करे। बट बिकॉज वी आर इन द बुल मार्केट, उसका भी चांस मुझे लगता है, बट प्राइस नहीं बोल रहा वैसा। प्राइस इज सुप्रीम, प्राइस नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूँ। और प्राइस ने क्रूशियल ट्रेंड लाइंस, क्रूशियल सपोर्ट्स और पैटर्न्स ब्रेक कर दिए, राइट। बेरिशनेस एक्चुअली यही से शुरू हुआ था, ये जो लो काटा ना, दो दो कैंडल यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दो यहाँ पे से ही मैं बेरिश था, बट यहाँ पे आने के बाद आई हैव टू से कि हाँ अभी यहाँ से प्राइस ने ट्रेंड रिवर्सल दिया है नीचे की तरफ। अभी ये नीचे कितना है वो मार्केट ही बताता है, हम कभी नहीं उसको प्रेडिक्ट कर सकते नीचे क्या है। अगर मैं बोलूंगा ये नीचे है तो मार्केट बोलेगी नहीं मेरे लिए तो ये नीचे है, राइट। अगेन ऊपर के लिए भी मैं बोलूंगा ये फाइनल है तो मैं तो यहाँ से शुरुआत करने वाली हूँ, मार्केट यहाँ से कुछ भी कर सकती है। सो बेटर है कि 50-50 रखना व्यू, मार्केट को देखते रहो, बड़ी बड़ी प्रॉफिट्स बुक कर लो, और ज़्यादा मतलब उसमें लालच मत रखो। मार्केट का जो भी प्रॉफिट होता है इट्स लाइक अ प्रसाद, हाथ पे जो मिला उसको हम लोग खा लेना चाहिए, उसको ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए कि मुझे और ज़्यादा चाहिए, राइट। ट्रेंड चेंज हो गया है बुलिशनेस की तरफ, अभी मार्केट का झुकाव थोड़ा कम है बेरिशनेस की तरफ, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है। अगेन अगला एक हफ्ता हमको देखना है, मार्केट बदल सकता है, मार्केट की आदत है, एक कैंडल जानबूझ के डराने की कैंडल होती है, वो डरा देता है मार्केट को। मे भी एक और कैंडल भी आ सकती है, मैं तो वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक और ऐसी लंबी रेड कैंडल आ जाए, पैनिक बोलते हैं जिसको, पैनिक सेलिंग हो जाए, सबका माल छूट जाए, फिर वहाँ से जो मार्केट रिवर्स यू टर्न लेगी सीधा 20-25 हज़ार तक भी जा सकती है, 25 तो नहीं बट 20 हज़ार तक तो जरूर जा सकती है, राइट। तो ये लेवल्स देखते चलो, ये कटते जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, पैसे डालते जाओ, फिर नीचे भी आ गया तो अगेन इट्स गोल्डन चांस, जिन लोग का रह गया था। बट अगेन यहाँ तक ही आना चाहिए मेरे भाइयों, यहाँ से नीचे जा रहा हो तो मैं तो बोलूँगा फिर तो एग्जिट करना चाहिए वापस से आपको, बिकॉज फिर नीचे कितना बड़ा गैप है देखो, ये मुझे बीच में कुछ नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे रुक सकती है बिकॉज यहाँ पे एक गैप है, मे बी ये गैप भर के यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, बट अगेन दैट इज ऑल्सो टू लो, 16,300 वगैरह है। ओके सो मार्केट अपडेट इतना ही था, कुछ रहेगा तो मेरा नंबर है स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो, मेरे साथ ज्वाइन होना है तो बताओ मुझे, एंड वील डेफिनेटली मेक गुड मनी टुगेदर। ओके थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड बियरिंग विथ मी, हैव अ वेरी गुड न्यू ईयर एंड गुड प्रॉफिट्स इन द ईयर 2023। टेक केयर, बाय बाय।